हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल सो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी बेसिक फॉर्म पर वर्क करेंगे सो हाउ टू क्रिएट बेसिक स्केचिंग टेक्निक ऑफ शेडो कास्टिंग ऑफ बेसिक फॉर्म ओके सो एक ही फॉर्म रहेगा एक ही लाइट सोर्स रहेगा उसके थ्रू हम कैसे एक शेडो क्रिएट कर सकते हैं हम वो सीखेंगे दे आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रिएट द शेडो ऑफ फॉर्म फर्स्टली लर्न बेसिक ड्राॅइंग ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स एंड कर्व्स वर्क ऑन टोनल वैल्यूज अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एस्टेरिक्स पॉइंट ओके सो बेसिकली आज हम एक बॉस बेसिक फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे इसके साथ साथ इसकी जो शेडो होती है वो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं हम वो सीखेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट दी होराइजोन लाइन ओके दिस इज ऑल्सो नॉन एज

एक और मैं क्यूब क्रिएट कर रही हूँ इसी तरीके से मैं अलग अलग पोजिशन में अलग अलग एंगल में क्यूब को क्रिएट करूँगी देन सेम लाइट सोर्स रहेगा सेम एस्टेरिक्स पॉइंट रहेगा जो हमारे सरफेस में क्रिएट होगा सी विद द हेल्प ऑफ दिस डिविटिंग लाइन आई एम क्रिएटिंग द क्यूब्स ओके मेक श्योर sure जो हमारी लाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं ये विदाउट स्केल की क्रिएट हो हमारी स्केल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारी लाइंस प्रॉपर क्रिएट हो इसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी सो so, जो फोर्थ वन क्यूब है वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्यूब पर हम वर्क कर रहे हैं वो भी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ही क्रिएट होगा यदि आपके क्यूब्स अलग अलग पोजिशन में आप क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स से उन पर अलग अलग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा हो सकता है किसी का टॉप काफ़ी कम दिखे, किसी का टॉप काफ़ी ज़्यादा दिखे। ओके इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव एंड आर आई लेबुल सी मैंने थोड़ा सा कॉपी को नीचे करके एक पॉइंट क्रिएट किया है जिसे हम लाइट सोर्स कहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट सोर्स हम क्या करेंगे शेडो क्रिएट करेंगे एक और पॉइंट मैंने क्रिएट किया है जो सेंटर में आप देख सकते हैं एस्ट्रेक्स जिसे हम कहते हैं एस्ट्रिक्स हमेशा सरफेस में क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट सोर्स एंड एस्ट्रेक्स हम क्या करेंगे शेडो क्रिएट करेंगे हमेशा लाइट के जो रिफ्लेक्शंस रहते हैं वो आउटर साइड से जाएंगे क्यूब के आप इजली देख सकते हैं किस तरीके से डेविएटिंग लाइंस क्रॉस हो रही हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं और एक पॉइंट क्रिएट कर रही है जो शेडो का शेप दिखा रही है इसी तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग शेडो क्रिएट होगी क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन अलग अलग हैं अब हो सकता है कोई सा ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी दूर हो तो इसकी शेडो जो होगी वो काफ़ी लंबी क्रिएट होगी कोई सा ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा भी हो सकता है जो लाइट सोर्स के पास हो तो उसकी जो शेडो क्रिएट होगी वो छोटी होगी और डार्क होगी तो ये जो इफ़ेक्ट है इसके बारे में हमें प्रॉपर स्टडी करनी होगी प्रैक्टिकल करके ओके सो तो ये आपको प्रॉपर इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट आते हैं जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसी तरीके से बाकी ऑब्जेक्ट को भी आप कंप्लीट करेंगे प्रॉपर सो so, ओवरऑल इस तरीके से हम इसे डार्क करेंगे देन इसके बाद में आपने एक लाइट का इफ़ेक्ट देखा होगा किस तरीके से मैंने एक स्केच कलर से लाइट को दिखाया है किस तरीके से डिविटिंग लाइन क्रिएट होती है रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं लाइट के थ्रू इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं और जो शेडो है उसे ही डार्क कर सकते हैं किस तरीके से शेडो क्रिएट होगी डार्क टू लाइट हमें शेडो हमेशा क्रिएट करनी रहती है किस तरीके से मैंने डार्क शेड क्रिएट किया है एकदम डार्क टू लाइट हम शेडो क्रिएट करेंगे यही प्रोसेस हम एंड तक करेंगे सारे क्यूब्स में कवर करेंगे So, thank you everyone for watching the video. Like the video and subscribe our channel for more amazing videos.